हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका SSCAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SSCAdda पर। मैं ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ जनरल साइंस की क्लास लेकर, जिसमें दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड कुछ ऐसे सवालों को जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो मैंने सवाल यहाँ पर लाए हैं, ये सभी सवाल आपको क्लास में किसी ना किसी तरीके से कराए गए हैं, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को और देखेंगे आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें। बहुत बढ़िया, अमरेश बर्मन जी गुड इवनिंग, अखिलेश कुमार जी, दिलीप कुमार जी, बबीता जी, सुमित घोष जी, रुचि कुमारी जी, रितिका शर्मा जी, बहुत बढ़िया, जी के शर्मा जी, ममता मिश्रा जी, विजय प्रसाद जी, राहुल चौधरी जी, मैं बढ़िया हूँ अमरेश जी, आप बताएं कैसे हैं। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे, बहुत बढ़िया। वंदना प्रजापति जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, अजय यादव जी, सुश्री सोनालिका जी। चलिए तो दोस्तों आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक आप लोगों को पता है अभी लॉकडाउन स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें कि 20% का ऑफ मिल रहा है और ऐप से अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो एक्स्ट्रा 5% का ऑफ मिलेगा। इसके लिए आप कोड लगा सकते हैं LD20। कुछ भी खरीदना है आप लोग कहाँ ऐप पर या स्टोर Adda247 के स्टोर पर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आप लोगों को जहाँ तक पता होगा कि आज हम लोग किससे रिलेटेड सवालों को देखने वाले हैं, पर्यावरण, पर्यावरण से रिलेटेड सवालों को देखने वाले हैं। तो आज का दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, फटाफट जवाब दें सभी बच्चे। बिल्कुल ममता शर्मा जी आप भी हैं, बहुत बढ़िया। चुड़ैल की मौसी जी, मल्लिका गुप्ता जी गुड इवनिंग। सभी बच्चे शेयर और लाइक करते रहेंगे वीडियो को। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। याद रखेंगे दोस्तों सुंदरबन जो है ये कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में है। और याद रखेंगे दोस्तों ये जो सुंदरबन है ये कैसा वन है, तो याद रखना एक मैनग्रोव फॉरेस्ट है। कैसा फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, याद रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो वहाँ यहाँ पर जो वृक्ष मिलते हैं उसमें कैसे रूट होते हैं, याद रखेंगे इसमें कैसे रेस्पिरेटरी रूट यानी कि श्वसनी जड़ें यहाँ पर मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। जब नंदा देवी की बात करते हैं दोस्तों तो ये उत्तराखंड में और ये सबसे ऊंचाई पर मिलने वाला क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। जब बात करते हैं दोस्तों नीलगिरी, तो नीलगिरी दोस्तों 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कहां पर है, तमिलनाडु में। और दोस्तों ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन सी। और इसी नीलगिरी में दोस्तों कौन सी जनजाति निवास करती है, याद रखेंगे दोस्तों टोडा, टोडा नामक जो जनजाति है वो कहां पर यही निवास करती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या, ऑप्शन सी नीलगिरी। हमारा प्रश्न है आपसे चेंचू, चेंचू नामक जो जनजाति है ये कहां पर निवास करती है, फटाफट कमेंट में बताइए कि चेंचू नामक जनजाति जो है वो कहां पर निवास करती है। बहुत बढ़िया, फटाफट दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर भी करते रहेंगे सभी बच्चे वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, सुश्री सोनालिका जी, वंदना प्रजापति जी, अमरेश बर्मन जी, बहुत बढ़िया। चेंचू जनजाति कहां निवास करती है, जल्दी से आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया टोडा, बहुत बढ़िया ममता मिश्रा जी, जी के शर्मा जी, बहुत बढ़िया रुचि कुमारी जी, वेरी गुड। हमारा प्रश्न था चेंचू जनजाति, कई बच्चे झारखंड बता रहे हैं, देखते हैं। हमारे पास अभी तक सही जवाब नहीं आया है, जल्दी से बताइए। कई बच्चे बता रहे हैं एमपी, कई बच्चे बता रहे हैं अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में सेंटर रिलीज मिलती है ना। चलिए जब बात करते हैं हम लोग चेंचू के, तो चेंचू याद रखेंगे कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में ये चेंचू नामक जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनएक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत के किस वर्ष में लागू किया गया था, फटाफट जवाब दीजिए। 1974, 1977, 1980 या 1986, जल्दी से जवाब देंगे और शेयर भी करते रहेंगे सभी लोग। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे। बहुत बढ़िया,
यहां पर हमारे पास जवाब आना शुरू हो चुका है और बिल्कुल सही जवाब। कल की क्लास में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस करा था आप लोगों से। याद रखना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह कब लागू किया गया था भारत में, तो याद रखना 1986 में कब लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। आपको याद ये भी रखना है 1980 में क्या किया गया था, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम ये कब लागू किया गया था दोस्तों, तो वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 में लागू किया गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब लागू किया गया था, ये किया गया था 1980 में। तो चलते हैं इसके बाद हम लोग अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इसमें से किसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के नाम से जाना जाता है, इसमें से किसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया शिवम हापुड़ जी, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे शेयर और लाइक भी करते रहे, बहुत बढ़िया। नैन्सी कल्याण जी, वेरी गुड, शेयर करते रहेंगे सभी लोग वीडियो को, बहुत बहुत। श्रीनाथ सरकार जी, वेरी गुड। बबीता कुमारी जी, बहुत अच्छे। यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की, तो सल्फर डाइऑक्साइड आप लोगों को पता है ये कैसा है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो हैं दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2, ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एसिड रेन के लिए। और एसिड रेन जो होता है दोस्तों, एसिड रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिड रेन। स्टोन कैंसर वही दोस्तों जिसके कारण जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जितने भी स्मारक होते हैं, उनका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल का जो येलो कलर कभी कभी हो जाता है, वो किसके कारण, इसी एसिड रेन के कारण। और ये निकलती कहां से, ये दोनों गैस हैं, तो कहां से, इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों के धुओं में जो स्मोक होता है वहां पर पाया जाता है ये SO2 एंड NO2। जब हम बात करते हैं दोस्तों बेंजीन के, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का कुछ रेगुलर हेक्सागन की तरह होता है, और इसमें दोस्तों दो उसके बीच में कितना एंगल होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। कार्बन मोनोक्साइड की बात आप लोग जानते हैं, ये कार्बन मोनोक्साइड है, ये जब हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है, ये दोस्तों क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया नामक बीमारी को जन्म देता है। ये दोस्तों निकलता कहां से, ये निकलता है व्हीकल्स के धुओं से, यानी ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। लेकिन जो ओजोन है दोस्तों, ये कैसा पॉल्यूटेंट है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। जब ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन दोस्तों O3 मतलब ये क्या है, याद रखना है ये क्या करता, ये दोस्तों क्या है, ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। और ओजोन लेयर की बात करते हैं तो ये कहां पर मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। इसके डिप्लेशन के लिए प्रोटोकॉल कौन सा हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, यह भी आपको पता है। इसकी चौड़ाई किस में मेजर करते हैं, डॉप्सन में। इसके बात करते हैं तो ये करता क्या, यूवी रे से हमें बचाता है। इसके बाद की बात करें तो दोस्तों ये जो ओजोन लेयर है, इसके डिप्लेशन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये भी आपको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमारा प्रश्न है यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे को किसने खोजा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सुश्री सोनालिका जी, जगतपाल वर्मा जी, मंजू अंगाड़िया जी, शांतनु प्रधान जी, बहुत बढ़िया। राहुल चौधरी जी, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। वर्षा यादव जी, सोनू यादव जी, वेरी गुड। हमारा प्रश्न है यूवी रे को किसने खोजा है, जल्दी से बताइए। और शेयर आप लोग करते रहिए। आप लोग ये जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे था, ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को रोकने से था, है ना। शेयर और लाइक करते रहेंगे दोस्तों आप लोग, बहुत शानदार। शिवा महापुर जी ने पहला जवाब दिया है, बहुत बढ़िया शिवा महापुर जी। बाकी बच्चे भी जवाब दीजिए, यूवी रे अल्ट्रा वायलेट रे की खोज किसने करी है। बहुत बढ़िया अमरेश बर्मन जी ने, बहुत बढ़िया। चुड़ैल की मौसी जी, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, अल्ट्रा वायलेट रे की खोज किसने करी है, रीटर ने करी है। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इसमें से कौन सा एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न राजस्थान, या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट जवाब दें इसका, इसमें से कौन सा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और जल्दी से सभी लोग शेयर भी करते रहेंगे वीडियो को, शेयर और लाइक भी करते रहेंगे। बिल्कुल नैन्सी कल्याण जी, एक्सरे की खोज रॉयंटजन ने करी है, बहुत बढ़िया। यहां पर हमारा प्रश्न है हर्सल
हर्सेल ने, याद रखिएगा, इंफ्रारेड रे की खोज करी है, इंफ्रारेड रे की खोज हर्सेल ने करी है, ठीक है ना। यहां पर जब बात करते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट, तो दोस्तों जो पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय ये दोस्तों क्या है, हॉट स्पॉट है। इसके बाद जो वेस्टर्न घाट हैं, पश्चिमी घाट हैं, वो क्या है दोस्तों, वो हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट है, याद रखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार जो मन्नार की खाड़ी है वो भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। तो पूर्वी हिमालय के साथ साथ कौन सा घाट, वेस्टर्न घाट, इसके साथ साथ कौन सा, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, ये सभी दोस्तों क्या है, ये सभी जैव विविधता हॉटस्पॉट है, याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईस्टर्न हिमालय इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्रियंका वर्मा जी, बिल्कुल सही जवाब है। नैन्सी कल्याण जी, वीरेंद्र यादव जी, वंजना प्रजापति जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्षा, बिल्कुल सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। अगले सवाल पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वातावरण में पाया जाने वाला प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहां पर यह कहा जा रहा है प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा नहीं है। ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है तभी आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। बहुत बढ़िया अमरेश बर्मन जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अंकित मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। मानसी बेहरा जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अंकिता मिश्रा जी, विकास परमनिक जी, वेरी गुड। यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों हम लोग किसकी, यहां पर जब प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ये क्या है, एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है, और ये जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बनाता मिलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CaO के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, CaCO3, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, लाइम स्टोन बोल देते हैं, है ना। यही कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है क्या बना देता है, H2CO3, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बोनिक एसिड बोल देते हैं। यही कार्बोनिक एसिड दोस्तों किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों किसमें यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में, यह भी आपको याद रखना है। मीथेन की बात करते हैं दोस्तों, ये मीथेन भी क्या है, मीथेन भी एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। इसे क्या बोला जाता है, मार्स गैस। पैडी फील्ड यानी धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, याद रखना है पैडी फील्ड से कौन सी, मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। जानवरों के जुगाली करने से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। जो कोल माइंस में जो आग लगता है वो किसके कारण, मीथेन के ऑक्सीजन में संपर्क में आने के कारण लगता है। मीथेन को ही जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, इससे कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक वही होता है जिससे टायर वगैरह को क्या किया जाता है, कलर किया जाता है। क्लियर है ना पॉइंट। तो हमारा प्रश्न है आप लोगों से, रबर टायर, रबर टायर की खोज किसने करी है, फटाफट आप लोग जवाब देंगे। वाटर वेपर भी यहां पर दोस्तों क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना वो वाटर वेपर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस जो होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर दोस्तों जो प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो कौन सा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है दोस्तों ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। तो हमारा प्रश्न था आप लोगों से, रबर टायर की खोज किसने करी है, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अद्रिता मित्रा जी, नैन्सी कल्याण जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अखिलेश कुमार जी, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे किसने करी है, जॉन डुनलप। किसने करी है, जॉन डुनलप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, चलिए याद रखेंगे। और टायर की खोज किसने करी है, चार्ल्स गुडियर, चार्ल्स गुडियर, ठीक है ना। रबर टायर की खोज किसने, डनलप, चार्ल्स गुडियर ने टायर की खोज करी है। अगले सवाल पर चलेंगे हम लोग। अगला सवाल था, हेडक्वार्टर ऑफ UNEP इज लोकेटेड एट यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, आपको बताना है, जेनेवा, नैरोबी, न्यू दिल्ली या न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में दोस्तों यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है। न्यू दिल्ली की जब बात करते हैं तो NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका स्थापना कब हुआ था, 2010 में, इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ही दोस्तों द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये दोस्तों कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। जेनेवा में बात करते हैं तो WHO
WTO इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और जब बात करते हैं दोस्तों नायरोबी, नायरोबी कहाँ की राजधानी, केन्या की राजधानी है। इसी केन्या में, इसी नायरोबी में दोस्तों किसका हेडक्वार्टर है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का। जबकि दोस्तों एक संस्था है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, याद रखेंगे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है दोस्तों एम्स्टर्डम। कहां पर इसका मुख्यालय, एम्स्टर्डम में, याद रखेंगे। और यहीं से दोस्तों याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 5 जून को। इसलिए 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नायरोबी। फटाफट दोस्तों शेयर करते रहेंगे, सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक करते रहेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया नैन्सी कल्याण जी, बहुत बढ़िया अमरीश बर्मन जी, अलमन नंदी जी, प्रियंका वर्मा जी, पूजा भारती जी, विकास परमनिक जी, ममता शर्मा जी, ममता मिश्रा जी, मौसमी जीना जी, स्नेहा कुशवाहा जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल रश्मिता नाहक जी। चलिए अगले सवाल पर हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग एनजीओ रिलीजेज स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट जो है इंडिया में वो किस एनजीओ के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही मुश्किल सवाल भी है, ठीक है ना। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, कौन सा एनजीओ भारत के अंदर स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट जारी करता है। जल्दी से जवाब दीजिए इसका, बिल्कुल बहुत बढ़िया वर्षा यादव जी, जल्दी से इसका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देता है। गुड इवनिंग सोनी साहू जी, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया खालिद जी। चलिए यहां पर जब बात करते हैं हम लोग दोस्तों इस सवाल की, क्वेश्चन नंबर 7, तो याद रखना है दोस्तों डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दोस्तों जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखना है दिल्ली में। दिल्ली का ये एक एनजीओ है जिसका नाम है डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स। यही दोस्तों क्या करता है, स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट क्या करता है, जारी करता है। हमारा प्रश्न है कि एनवायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, फटाफट जवाब दीजिएगा, कौन सा पुरस्कार एनवायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया ललित कुमार पालीवल जी, बहुत बढ़िया ललित कुमार जी पलवल से, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 7 का बताएं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स। हमारा प्रश्न है एनवायरमेंट के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, विच अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट। बोरलॉग अवार्ड टेक सुपर डुपर जी, बोरलॉग अवार्ड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। बहुत बढ़िया सुमित घोष जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, टाइलर पुरस्कार। बहुत अच्छे, टाइलर पुरस्कार जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है दोस्तों किस क्षेत्र में, एनवायरमेंट के क्षेत्र में। गुड इवनिंग अर्टा मेहर जी, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी वॉज डिक्लेयर्ड एज टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। भारत में किस शहर को टाइगर गेटवे कहा जाता है इंडिया का, भोपाल को, नागपुर को, मैसूर को या लखनऊ को। भैया लखनऊ की जब बात करते हैं तो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। लखनऊ की जब बात करते हैं तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जब दोस्तों हम लोग बात करते हैं किसकी, याद रखेंगे यहां पर जब हम वो भोपाल की बात करते हैं तो कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है दोस्तों, ये कहां पर है, मैसूर में है। हमारा प्रश्न है भारत का टाइगर गेटवे किसे कहा जाता है, याद रखना है दोस्तों भारत का टाइगर गेटवे कहा जाता है किसे, नागपुर को। किसे कहते हैं भारत का टाइगर गेटवे, नागपुर इज द कॉल्ड द टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। टाइगर की जब दोस्तों साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिसा, पैंथेरा टिग्रिसा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नागपुर इसका करेक्ट उत्तर है। इस सवाल में एक भी बच्चे का सही जवाब नहीं आया है ना, एक भी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया है इसका, क्लियर है पॉइंट। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, नेशनल शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है सोनी साहू जी, वो कोयंबटूर में है। नेशनल शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कहां पर है, कोयंबटूर में, जिसे हम लोग मैनचेस्टर ऑफ साउथ भी कहते हैं, दक्षिण का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट किसे कहा जाता है ये आपको बताना है।
शेयर आप लोग करते रहें दोस्तों, वीडियो को शेयर आप लोग करते रहें, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को शेयर और लाइक करते रहेंगे। यहां पर जब बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन क्रेडिट किसे कहा जाता है। आप लोग ये तो जानते हैं कि विश्व में सबसे जो कार्बन नेगेटिव कंट्री है वो कौन सा है दोस्तों, वो है भूटान, है ना। कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे जितना हम लोग कार्बन एमिट करते हैं, कार्बन जितना हम लोग एमिशन करते हैं, और कितना दोस्तों याद रखेंगे कार्बन मतलब अलॉ किया गया है, कितना कार्बन एमिशन अलॉ किया गया है उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या, इट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बन एमिशन अलॉड एंड एक्चुअल एमिटेड कार्बन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सही उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और हमारा दोस्तों प्रश्न है आपसे, भारत का पहला कार्बन नेगेटिव विलेज, भारत का पहला कार्बन नेगेटिव विलेज कौन सा है, आप लोग बताइए। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव विलेज कौन सा, बहुत बढ़िया सायन मिश्रा जी, बहुत अच्छे रुचि कुमारी जी, मंजू अंगाड़िया जी, नैन्सी कल्याण जी, अंकिता मिश्रा जी, विजेंद्र यादव जी, बहुत बढ़िया सुमित परमर जी। यहां पर हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला कार्बन नेगेटिव विलेज कौन सा है, देखते हैं कौन कौन बच्चा सही जवाब दे रहा है। बहुत अच्छे सचिन यादव जी, बहुत बढ़िया अशोक कुमार जी, बहुत शानदार। हमारा प्रश्न है भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गांव कौन सा है, अभी तक जवाब नहीं आया है मेरे पास। हमारे पास अमरेश बर्मन जी का जवाब आ गया, बहुत बढ़िया, अभी तक सिर्फ और सिर्फ अमरेश बर्मन जी का जवाब आया है, और जवाब दें बाकी बच्चे भी, याद रखेंगे उसका नाम है फेयोंग, फेयोंग विलेज जो है दोस्तों याद रखेंगे भारत का एकमात्र क्या है, कार्बन नेगेटिव क्या है, विलेज है। अगले सवाल पर चलते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ एरिया इन द प्लेन वुड शुड बी अंडर फॉरेस्ट, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, बिल्कुल फेयोंग जो है इसका सही उत्तर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट परसेंट ऑफ एरिया इन द प्लेन शुड बी अंडर फॉरेस्ट, मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। अभी दोस्तों जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो जारी हुआ 2019 में, जो रिपोर्ट हर दो वर्ष में जारी होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पर है, एमपी में है, ठीक है ना। और याद रखेंगे टोटल जो वन क्षेत्र है दोस्तों वो कितना प्रतिशत है, जो वर्तमान जो चाहिए है वो कितना है, 33% चाहिए, कितना चाहिए, 33% होना चाहिए, लेकिन IFSR 2019 के अकॉर्डिंग कितना 1% है हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर कितना फॉरेस्ट परसेंटेज है ये आपको बताना है, जल्दी से बताएं, होना कितना चाहिए, 33% होना चाहिए, लेकिन IFSR 2019 के अकॉर्डिंग कितना हमारे देश में 1% है, जल्दी से जवाब दें। बहुत बढ़िया आर्टा मेहर जी, बहुत शानदार यशराज जी, बिल्कुल सही जवाब है सुमित घोष जी, शांतनु प्रधान जी, कमल जी, मनीषा जी, बहुत बढ़िया सचिन यादव जी, कमल कुमार जी, वेरी गुड, ठीक है। हमारा प्रश्न है कि कितना प्रतिशत, 21%, तो याद रखेंगे दोस्तों 21.63% ये जो है दोस्तों क्या है, IFSR 2019 के अकॉर्डिंग जो हमारे देश के अंदर 1% है वो कितना है, 21.63%। अगले सवाल पर चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा। वंदना प्रजापति जी आप जो बता रही हैं 24.56% ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों को मिलाकर है, फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों को मिलाकर कितना है, 24.56%, ठीक है ना वंदना प्रजापति जी, ठीक है। हम लोग जब बात करते हैं यहां पर पहले नेशनल पार्क की भारत की, तो पेरियार नेशनल पार्क कहां पर है, केरला में है, राजा जी कहां पर है, उत्तराखंड में, बांदीपुर कहां पर है, कर्नाटक में है, है ना, कर्नाटक में ही बनरघट्टा नेशनल पार्क भी है, यहीं पर दोस्तों नागरहोल नेशनल पार्क भी है जिसे हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे उत्तराखंड में ही कौन सा, यहीं पर दोस्तों याद रखेंगे
वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, कहाँ पर? उत्तराखंड में ही। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, जिसका नाम दोस्तों हैली नेशनल पार्क है, ठीक है ना। ये दोस्तों कब 1936 में बताया वो किया गया था, ये भारत का पहला क्या है नेशनल पार्क है, कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। और याद रखिएगा दोस्तों, जो उत्तराखंड के ही देहरादून में किसका मुख्यालय है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान और इंडियन पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस दोनों का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? देहरादून में है, यह भी आपको याद रखना है। जबकि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहां पर है आप लोग बताएं? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है जल्दी से बताइए? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जल्दी से जवाब दें। और शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिए। बिल्कुल विजय प्रसाद जी, ओल्ड नेम इज हैली नेशनल पार्क, वेरी गुड। ममता मिश्रा जी, सुमित परमर जी, अमलन नंदी जी, बहुत अच्छे। अनु रॉय जी, मोहित मलिक जी, वेरी गुड। सविता यादव जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारा प्रश्न है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो सुमित घोष जी का एक जवाब आया है, सुमित घोष जी ने अभी तक एक सही जवाब दिया। ये सवाल आप लोगों का कराया भी गया था, क्लास में मैंने करवाया था आप लोगों को। सभी बच्चे भोपाल बता रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे, बहुत बढ़िया। शिवम हापुड़ जी ने भी सही जवाब दिया है, जेके शर्मा जी ने भी सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। सरस्वती मिश्रा जी, यहाँ पर दोस्तों इसका याद रखेंगे, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? दिसजन जोधपुर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर, रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स डाटा ऑन, रेड डाटा बुक किसका डाटा प्रोवाइड करता है? रेड लायन का, रेड बर्ड का, लिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का, या इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स का। लायन की जब बात करें दोस्तों, तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो ये इसका साइंटिफिक नाम। और एशियाटिक लायन के लिए कौन सा? याद रखेंगे दोस्तों, गिर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। बर्ड की बात करते हैं, तो बर्ड की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। प्लांट की स्टडी को क्या कहते हैं? तो प्लांट की स्टडी को बॉटनी कहते हैं। जबकि फादर ऑफ बॉटनी ये किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, है ना। जबकि एनिमल की स्टडी को जूलॉजी कहते हैं, और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? एरिस्टोटल या अरस्तु को कहा जाता है। रेड डाटा बुक दोस्तों किसके बारे में? संकटात्मक पौधों और जानवरों के बारे में बताता है। और इस रेड डाटा बुक को जारी कौन करता है दोस्तों? ये जारी करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के द्वारा इसे क्या होता है? जारी किया जाता है। हमारा प्रश्न है आप लोगों से कि ये IUCN जो है, IUCN का हेडक्वार्टर कहां पर है? IUCN का हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप लोग बताएं। IUCN का हेडक्वार्टर कहां पर है जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे और शेयर करते रहेंगे। सभी लोग वीडियो को शेयर लाइक करते रहेंगे, शेयर और लाइक आप लोग करते रहिए सभी लोग। वेरी गुड वर्षा यादव जी, सौविक घोष जी, मानसी बहरा जी, बबीता कुमारी जी, विकास परमानिक जी, बहुत अच्छे। IUCN का हेडक्वार्टर किधर है? बहुत बढ़िया सविता यादव जी, बिल्कुल सही जवाब है। बायोलॉजी के भी पिता अरिस्टोटल ही कहलाते हैं, जबकि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क ने किया था सबसे पहले। शरत दास जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, याद रखेंगे, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, बहुत बढ़िया, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और वहीं पर दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका भी मुख्यालय कहां पर है? वो भी दोस्तों कहां पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही है। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल, ए वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और वन्य जीवों वाली भूमि पर एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है इकोलॉजी, बायोम, बायोडाइवर्सिटी या बायोस्फीयर रिजर्व। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, इसका आप लोग जवाब देंगे। बहुत अच्छे अखिलेश जी, बहुत बढ़िया, आपकी मूछें तो बहुत शानदार लग रही हैं, बहुत शानदार। लखन गौड़ जी, बहुत बढ़िया। सुजीत कुमार साहू जी, नैन्सी कल्याण जी, शांतनु प्रधान जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जब बात करते हैं दोस्तों, जो वनस्पतियों और वन्य जीवों की जो बहुत बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है बायोम कहते हैं उसे। तो इसका सही उत्तर जो होगा उसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बायोम इज द राइट आंसर। जब बात करते हैं इकोलॉजी की, तो फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, ये कहा जाता है हैकल, ये हैकल को। लेकिन हमारा प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?
इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था ये आप लोग बताएं। उसे दोस्तों बायोम कहते हैं ना कि इकोलॉजी। कई बच्चे इसका जवाब इकोलॉजी दे रहे हैं लेकिन याद रखेंगे उसे क्या कहा जाता है, बायोम कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर हमारा प्रश्न है इकोलॉजी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। एक एक चीज आपको क्लास में कराई गई है तो जल्दी से इसका जवाब देंगे, ठीक है। और सभी बच्चे शेयर और लाइक करते रहेंगे वीडियो को, इतने बच्चे देख रहे हैं तो लाइक भी कर दें सभी लोग, शेयर भी कर दें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, राम प्रवेश कुमार जी बहुत शानदार, विजेंद्र कुमार जी बहुत बढ़िया, अखिलेश कुमार जी हमारे, बिल्कुल मोहित कुमार जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, धर्मवीर कुमार जी, वंदना प्रजापति जी, अद्रिता मित्रा जी बहुत अच्छे, बिल्कुल टेंसले इजी टेंसले ने क्या किया था, सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हमें घड़े का पौधा मिलेगा या जिसे हम लोग पिचर प्लांट कहते हैं, पिचर प्लांट या इसे नेपेंथिस कहा जाता है, नेपेंथिस को ही क्या कहते हैं, कीट भक्षी पौधा। ये पौधा क्या करता है, कीट यानी इंसेक्ट को खाता है, वही इंसेक्ट जो सांस किससे लेता है, ट्रैकिया से, और जिसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो हमारा प्रश्न है आपसे कि इसमें यह पूछा गया है कि कहां पर यह पिचर प्लांट पाया जाता है, जल्दी से जवाब दें इसका। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, जवाब दीजिए। जब रैन की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखेंगे रैन की जो दोस्तों मात्रा मेजर की जाती है किससे, रैन गौत से मेजर करते हैं। आप लोगों को यह पता है कि नेपेंथिस ये जो पौधा मिलता है कहां पर हमारे देश में, मेघालय में मिलता है। कहां पर मिलता है हमारे देश में, मेघालय में, और मेघालय कहां पर आता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, रैन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना, रैन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया डी इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों फॉरेस्ट से याद रखेंगे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगली उत्पादों का उत्पादन, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का उत्पादन क्या कहलाता है, सवाल का जवाब दें जल्दी से। फॉरेस्ट प्रोड्यूस का उत्पादन क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। जंगली उत्पादों का उत्पादन को क्या कहते हैं हम लोग, इसका सही उत्तर बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, क्योंकि नेपेंथिस पौधा जो है वो मेघालय में मिलता है जिसका आकार घड़े के समान होता है, है ना। हमारा प्रश्न है जंगली उत्पादों का उत्पादन क्या कहलाता है, सभी बच्चे शेयर भी करते रहेंगे वीडियो को साथ साथ, शेयर और लाइक भी करते रहेंगे। अनु रॉय जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, शरत दास जी ने जवाब दिया है, बाकी बच्चे भी जवाब दें। एक एक चीजें आपको क्लास में कराई जाती है। रुचि कुमारी जी का भी जवाब आ गया है। चलिए तो दोस्तों याद रखेंगे सभी बच्चे क्या कहते हैं उसे हम लोग, सिल्वी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सिल्वी कल्चर। बहुत बढ़िया प्रियंका वर्मा जी, सुजीत कुमार साहू जी, अद्रिता मित्रा जी बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार जैव विविधता शब्द गढ़ा, यानी कि सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है यह आपको बताना है। और इसी बायोडायवर्सिटी पर दोस्तों कार्टेजेना और नगोया प्रोटोकॉल जो है इसी बायोडायवर्सिटी से ही संबंधित है, आप लोग ये जानते हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल का जो संबंध है किससे है, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता से है। हमारा प्रश्न है इस जैव विविधता शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया था, जल्दी से जवाब दें। बहुत अच्छे ममता मिश्रा जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आर्टा मेहर जी बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर जब बात करते हैं हम लोग दोस्तों इस बायोडायवर्सिटी की तो इसका सही उत्तर क्या है, ईओ विल्सन। ईओ विल्सन ने ही सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का क्या किया था, यूज किया था, ठीक है। अगले सवाल पर चलेंगे हम लोग, अगला सवाल तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है दोस्तों ईओ विल्सन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट, यानी जैव विविधता हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, जैव विविधता हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया। हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है, जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है ना, जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता होती है, सबसे ज्यादा अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे या अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं ना, उसे ही क्या कहते हैं, वैसे जगहों को क्या कहा जाता है, हॉटस्पॉट कहा जाता है, ठीक है ना। और ये सबसे पहले जो जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में बताया वो किसने बताया दोस्तों, वो याद रखना है किस
किसने बताया है? वो बताया है नॉर्मन मायर्स ने। किसने बताया है? नॉर्मन मायर्स ने। वॉल्टर जी रोसन, अखिलेश जी, वॉल्टर जी रोसन को फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? नॉर्मन मायर्स इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या होगा? नॉर्मन मायर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ नीरी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। नीरी का हेडक्वार्टर कहां पर है? जोधपुर में, कोलकाता में, देहरादून में या नागपुर में? जल्दी से जवाब दें। बिल्कुल सौभिक गोजी, वेस्टर्न घाट भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। शेयर करते रहेंगे सभी लोग वीडियो को, है ना, सभी बच्चे वीडियो को शेयर करते रहिए। जब बात करते हैं दोस्तों नीरी, नीरी का मतलब क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप लोगों को पता है जहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन माइंस ब्यूरो या भारतीय खनन ब्यूरो का जहां मुख्यालय है, वो दोस्तों कौन सा जगह है? वो है नागपुर। नागपुर में ही नीरी का मुख्यालय है। जबकि दोस्तों कोलकाता में कौन सा सर्वे है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहां पर है? ये कोलकाता के अंदर है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? दैट इज ऑप्शन डी। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल, न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इन द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेफर टू एज, यानी वैसे सूक्ष्म जीव जो कि हमारे हमारे वायुमंडल में पोषक तत्वों को क्या करते हैं? रिसाइकल करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स या नन ऑफ दीज? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह दोस्तों लाइक और शेयर आप लोग कर रहे हैं जितने भी बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसी तरह शेयर और लाइक करते रहेंगे आप लोग। आप लोगों को पता है दोस्तों जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पोषक तत्वों को क्या करता है? रिसाइकल करता है, उसे ना तो प्रोड्यूसर कहते हैं ना ही कंज्यूमर कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डीकंपोजर। क्या बोलते हैं उसे? उसे हम लोग डीकंपोजर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है क्या? ऑप्शन सी, डीकंपोजर। हमारा प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये कहां पर है? जल्दी से बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय पोषण संस्थान ये कहां पर है? शेयर करते रहेंगे सभी लोग, सभी बच्चे वीडियो को शेयर करते रहिए। बिल्कुल बी वन अमंग्स वन जी, बिल्कुल लेंगे क्लास, टेंशन नहीं लेना आपको, बिल्कुल एनवायरमेंट की क्लास लेंगे अब, ठीक है, शेयर करते रहें आप लोग इसे। और दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इसका मुख्यालय कहां पर है यह आप लोगों को बताना है। वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन? हमारे पास जवाब आना शुरू हो चुका है। बहुत बेहतरीन जवाब मनीषा यादव जी, सौविक घोष जी, आर्टा जी, विकास परमनिक जी, बहुत बढ़िया, अभिषेक सिंह जी, अद्रिता मित्रा जी, सुमित घोष जी, बिल्कुल सभी बच्चों का सही जवाब है हैदराबाद, जहां पर दोस्तों सेंट नेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स, यहाँ पर फील्ड है, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड, यानी जो फील्ड क्रॉप्स होते हैं उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स क्या कहलाता है? और शेयर करते रहिए सभी लोग, सभी बच्चे वीडियो को शेयर करते रहे, बहुत बढ़िया। पूजा भारती जी बहुत शानदार, एस के सईदुद्दीन जी, नैन्सी कल्याण जी, सम्राट जी बहुत बढ़िया, जितेंद्र जी, शिवा मिश्रा जी, वेरी गुड, राकेश चौहान जी। जब पोमोलॉजी की बात करते हैं, फ्रूट्स की स्टडी, फ्रूट्स में कौन सा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मिलता है? फ्रक्टोज, जो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑलेरी कल्चर जो होता है, किसकी स्टडी? वेजिटेबल, सब्जियों का उत्पादन ऑलेरी कल्चर। फ्लावर्स का उत्पादन क्या? फ्लोरी कल्चर। फ्लावर्स की स्टडी को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया, सबसे छोटा फूल कौन सा? वोल्फिया। ये सारी जानकारी आप लोगों को याद है, लेकिन याद रखेंगे जो फील्ड क्रॉप होते हैं उनका उत्पादन क्या कहलाता है? उसे हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमी। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? दैट इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल, कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, कैडमियम पॉल्यूशन जो होता है उसके कारण कौन सी बीमारी होती है? कैडमियम पॉल्यूशन के कारण कौन सी डिजीज होती है? शेयर आप लोग करते रहेंगे सभी लोग, शेयर और लाइक आप लोग करते रहेंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। अद्रिता मित्रा जी, विकास जी, बबीता जी, सैकराइन, सैकराइन जो होता है कृत्रिम रूप का कार्बोहाइड्रेट होता है, अभिषेक सिंह जी,
ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं मीना माता, मीना माता किसकी अधिकता से, एचजी की अधिकता से, वही एचजी जिसे हम लोग क्विक सिल्वर कहते हैं, वही एचजी जिसे सॉरी क्विक हाँ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं क्विक सिल्वर कहते हैं, जिसका अयस्क क्या है दोस्तों सिनेबार है, जिसे लिक्विड मेटल भी कहा जाता है, और जो धातुओं के साथ मिलकर क्या बनाता है दोस्तों अमलगम बनाता है, ठीक है ना। ब्लैकफुट डिजीज जो है दोस्तों किसकी अधिकता से, आर्सेनिक इसकी अधिकता से होती है। इटाई इटाई जो होता है दोस्तों ये किसकी अधिकता से होती है, ये कैडमियम की अधिकता से होती है, जबकि नाइट्रेट की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सी बीमारी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये किसकी अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से होती है। और पेड़ पौधे नाइट्रोजन का यूज किस फॉर्म में करते हैं, इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट इन इंडिया आर, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 11 10 18 या 12, जल्दी से बताएं और शेयर करते रहें सभी लोग, जल्दी से इसका जवाब दीजिए और लाइक शेयर करते रहेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 21, द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट इन इंडिया आर 11 10 18 या 12, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ममता मिश्रा जी, बिल्कुल सैंड फ्लाई से जो होता है वो कौन सा, काला जार नामक रोग होता है, जबकि सीसी फ्लाई से कौन सा, याद रखेंगे उससे हम मेरा कौन सा, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, ठीक है ना। जब बात करते हैं भारत के अंदर टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कितना है दोस्तों, दैट इज 18, जबकि भारत में कुल नेशनल पार्क कितने हैं, 104, जिसमें कि 10 नेशनल पार्क सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, ये 10 नेशनल पार्क सिर्फ और सिर्फ कहां पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो इसका सही उत्तर क्या है, दैट इज ऑप्शन सी। आपसे ये भी पूछा जाता है टोटल नेशनल पार्क कितने, 104। आपसे ये पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर, एमपी में कितना है, 10 है, इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द ऑप्टिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, हमारे यहां पर की जलीय जीवों के सर्वाइव करने के लिए जो ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए ऑक्सीजन के घुलने का वो कितना होना चाहिए, ये आपको बताना है, उचित मात्रा क्या होनी चाहिए। नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारे देश का कौन सा है दोस्तों, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, आप लोग जानते हैं, दैट इज डॉल्फिन। और नेशनल डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है दोस्तों, पटना में है, ये भी आपको पता है, ठीक है। डॉल्फिन जो है मनुष्य के बाद दूसरा सबसे बुद्धिमान प्राणी है, ये भी आप जानते हैं। जब ऑक्सीजन की बात करते हैं, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है। अर्थ क्रस्ट की जब बात करते हैं तो हमारे अर्थ क्रस्ट में भी सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद क्या है, एल्यूमिनियम है। हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन, जबकि हमारे एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों, हमारे एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, ये भी आप जानते हैं। जबकि ऑक्सीजन का ऑप्टिमम लेवल जो है दोस्तों वो कितना है, 4 to 6, कितना होना चाहिए, 4 to 6 मिलीग्राम पर लीटर ये होना चाहिए। ये चीज आपको क्लास में कराई गई है, जो पहली दूसरी क्लास है उसी में ये सारी तथ्य, ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को। और ऑक्सीजन की खोज की बात करें तो ऑक्सीजन की खोज किसने करी है, प्रिस्टले ने, और इन्हीं प्रिस्टले साहब ने किसकी खोज करी है, याद रखेंगे, सोडा वाटर। सोडा वाटर की खोज किसने करी है, इन्हीं प्रिस्टले साहब ने करी। इसका करेक्ट उत्तर दोस्तों क्या है, दैट इज ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया है बिल्कुल सही जवाब है। शेयर करते रहेंगे आप लोग दोस्तों वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स किल्ड फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्किन हैज बीन डिक्लेयर्ड एड इनडेंजर्ड स्पीसीज, कौन सा सांप है दोस्तों जिसको उसके खूबसूरत स्किन के लिए मारा जाता है, जो कि दोस्तों एक क्या है, जो कि एक संकटात्मक मतलब जीव के अंदर आ गया है, ठीक है। इसका आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से और शेयर करते रहेंगे सभी लोग वीडियो को, लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। पाइथन जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे, अजगर, वो जहरीला सांप नहीं होता है ना, जो अजगर होता है ना, अजगर में क्या होता है, जहर नहीं होता है। सांप की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑफियोलॉजी, या उसे ही क्या कहते हैं, ऑफिडियोलॉजी, या कई बार उसे ही क्या कहा जाता है, सरपेंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना।
याद रखेंगे, सांप का जो जहर होता है, जहर की स्टडी को क्या कहा जाता है, टॉक्सिकोलॉजी। और सांप के जहर में दोस्तों कौन सा पदार्थ होता है, तो याद रखेंगे जुटॉक्सिन, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर कौन सा, तो रूजेल्स वाइपर, ये जो स्नैक होता है ना दोस्तों, ऑप्शन सी, सी इसका सही उत्तर है, जिसे उसके किसके लिए, ब्यूटीफुल स्किन के लिए मारा जाता है। जब स्किन की बात करते हैं दोस्तों, त्वचा हमारे शरीर का सबसे क्या है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, जिसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस सच एज नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं तो N2O, N2O को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस कहते हैं, जिसका यूज कहां पर, एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है। तो आपको यह बताना है इसमें से नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसी गैस प्रोड्यूस करने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है, जल्दी से इसका जवाब देंगे और शेयर लाइक करते रहेंगे। फंगाई की बात करते हैं तो इसकी स्टडी को माइकोलॉजी, इसका सेल वॉल किससे बना, काइटिन से। यह अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अर्थवर्म की बात करते हैं तो इसका पालन, इसका उत्पादन क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर। और इसी अर्थवर्म या केंचुआ को क्या कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं। ये सांस कहां से लेता है, ये सांस लेता है कहां से, स्किन से, ठीक है। यहां पर जो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है दोस्तों, दैट इज बैक्टीरिया या जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं दोस्तों वो ग्रीन हाउस गैस हैं, क्या करते हैं, उत्पन्न करती हैं। और जो बैक्टीरिया है इसकी खोज किसने करी है, तो आप लोग जानते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसकी खोज करी हुई है। क्लियर है पॉइंट। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसका सही सवाल क्या है, इसका सही उत्तर क्या है, बैक्टीरिया। अगले सवाल पर अब हम लोग चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चॉकलेट्स कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ ए हाई कंटेंट ऑफ। चॉकलेट सभी लोगों को खाना पसंद है ना, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, बैड होता है, खराब होता है। हेल्थ डे कब मनाते हैं, तो आप लोगों को पता है 7 अप्रैल, क्योंकि इसी दिन 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है। जबकि 21 मार्च को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्टी डे। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। 23 मार्च को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे। 24 मार्च को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड TV डे, है ना। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। ये सभी चीजें आपको पता है ना। तो चलिए यहां पर बात करते हैं दोस्तों हम लोग चॉकलेट की। तो चॉकलेट में ऐसा कौन सा तत्व होता है जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो निकेल की जब बात करेंगे तो निकेल का दोस्तों जो अयस्क है वो क्या है, निकेल ग्लैंड्स। जिंक का जो अयस्क है दोस्तों वो क्या है, कैलामिन। और जिंक सल्फेट ZnSO4, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट विट्रियॉल या सफेद तोता। जबकि FeSO4 फेरस सल्फेट, इसे ग्रीन विट्रियॉल। और CuSO4 इसे क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियॉल कहते हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, फिलोसफर वुल। जबकि जिंक क्लोराइड ZnCl2, इसका यूज कहां पर होता है, गैल्वनाइजेशन या यसद लेपन में होता है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या है, तो याद रखेंगे दैट इज डी, लेड। इसका सही उत्तर है वही लेड जिसका अयस्क दोस्तों क्या है, गैलेना। और याद रखेंगे लेड के साथ जब टिन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, सोल्डर मेटल बन जाता है, जिससे दोस्तों क्या बनता है, फ्यूज वायर। और वही फ्यूज वायर जिसका जो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट के किस प्रिंसिपल पर, इलेक्ट्रिक करंट के किस पर, थर्मल इफेक्ट पर काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा प्रश्न है आप लोगों से कि कोबाल्ट जो है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। शेयर और लाइक आप लोगों को इसी तरह दोस्तों करते रहना है वीडियो को। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है ये बताइए, और शेयर करते रहें वीडियो को आप लोग, है ना। सभी बच्चे वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। विटामिन की खोज आप लोगों को पता है किसने करी है, फंक ने करी है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। जो विटामिन ई है उसे क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। और यहां पर हमारा प्रश्न है कि किस विटामिन में, बिल्कुल 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे, 17 अप्रैल को मनाते हैं हीमोफीलिया डे, 25 अप्रैल को मनाते हैं मलेरिया डे, ये चीज भी आपको याद रखना है, 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस डे, ये भी आपको याद रखना है।
तो याद रखना है दोस्तों, जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट किस विटामिन में मिलता है, विटामिन B12 में मिलता है, जिसका दोस्तों केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन। हमारा प्रश्न है किस विटामिन को, विटामिन एच, विटामिन एच किस विटामिन को कहा जाता है, जल्दी से बताइए, विच विटामिन इज कॉल्ड विटामिन एच। इसी तरह शेयर करते रहिए सब लोग, शेयर और लाइक आप लोग करते रहिए। विटामिन एच किस विटामिन को कहते हैं, इसकी कमी से डर्मिस नामक रोग होता है, इतना मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है। विटामिन B6 को क्या कहते हैं, पायरोडॉक्सिन कहा जाता है विटामिन B6 को, है ना। जबकि विटामिन जी किसे कहते हैं, विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लाविन कहते हैं, B1 जिसे दोस्तों हम लोग थायमिन कहते हैं, जो कि अनाज को धोने से क्या हो जाता है, अनाज के छिलकों में पाया जाता है, चावल को धोने से नष्ट होता है, ठीक है ना। और याद रखेंगे इसी विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी, बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। और आपको याद रखना है दोस्तों, जो विटामिन B7 होता है, जिसका केमिकल नेम क्या है, बायोटिन, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, विटामिन एच भी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हमारे पास यही 25 सवाल थे। अब दोस्तों आपको पता है कि अभी लॉकडाउन स्पेशल क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है, जिसमें कि 20% आपको सभी प्रोडक्ट पर ऑफ मिल रहा है। ऐप से अगर आप परचेज करते हैं तो 5% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। कोड क्या यूज करना है, LD20 खरीदने के लिए आप ऐप पर भी जा सकते हैं और अड्डा 24/7 के स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, मजा आया, आपने कुछ सीखा, तो इसे क्या करना है, आप लोगों को लाइक करना है, क्या करना है, इसे आप लोगों ने शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, किसी तरह की किसी भी प्रकार की दुविधा हो, आप कमेंट में हमें बताइए, ठीक है, ताकि मैं आपके दुविधा को अगली क्लास में दूर कर पाऊं। और जिसने भी SSC अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है, वो क्या करेंगे दोस्तों, अभी के अभी इस चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम लोग, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन था वीरेंद्र यादव जी, ठीक है ना, हिंदी में भी इसी तरह दोस्तों अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हार्मोन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है, अखिलेश कुमार जी, ठीक है ना, हार्मोन विटामिन विटामिन डी को कहते हैं, ठीक है ना, जिसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी होती है, ठीक है। चलिए बहुत धन्यवाद बबीता कुमार जी, बहुत बढ़िया शांतनु प्रधान जी, थैंक यू सो मच। चलिए तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।